सांगोद पुलिस आवास में सोमवार को एक पुलिसकर्मी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी सांगोद पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के पास बने आवास में अचेत अवस्था में मिला था। अस्पताल आने के बाद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मियों में भी शोक फैल गया। परिजनों को सूचित कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के अनुसार रायखेड़ा थाना चेचट निवासी संजय मीरा पुलिस आवास में रहते हैं। उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका है जो अपने दो बच्चों के साथ कोटा में ही रहती हैं। संजय भी रविवार को राखी मनाकर शाम को ही आवास पर लौटे थे। सोमवार दोपहर को जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो अन्य पुलिसकर्मियों ने कमरे में झांक कर देखा। उस समय संजय अचेत अवस्था में पलंग के पास पड़े हुए थे। पुलिसकर्मी तत्काल संजय को वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे जहाँ जाँच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अधिकारी बदन सिंह ने बताया कि संदिग्ध मौत के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।